हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू में से चैप्टर 1 की पोएम करेंगे, द एंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, तो एंट होती है चींटी और क्रिकेट होता है झिंगूर। हिंदी में क्रिकेट को हम झिंगूर कहते हैं। ठीक है, तो यह जो कविता है ये एक चींटी और एक झिंगूर के बारे में है। ठीक है, ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं एसोप। ये जो एसोप कवि हैं ये यूनान के कवि हैं, ग्रीक कवि हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो इस कविता में दो तरह के जो हैं इंसेक्ट हैं, एक तो एंट दूसरा झिंगूर, एक चींटी एक दूसरा झिंगूर। ठीक है, तो एक युवा क्रिकेट यानी कि झिंगूर जो कि गर्मियों में और वसंत के दौरान में गाता है और नाचता है। ठीक है, गाता था और नाचता था और वह बहुत खुश रहता था और पूरे मज़े लेता था और थोड़ा सा मूर्ख भी था। ठीक है, और ग्रीष्मकाल मतलब गर्मियों के और वसंत के दौरान हर जगह जो है हरियाली रहती है। ठीक है, तो इसी के कारण वहाँ पे हरियाली हो रहती है तो खाने वाने की कोई कमी नहीं होती, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, हमेशा खाना जो है उपलब्ध रहता है और इसलिए खाने को स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो झिंगूर जो होता है वो अपना मज़े लेने में व्यस्त होता है, गाता और नाचता है और मज़े लेता रहता है, सर्दियों के लिए कुछ भी परवाह नहीं करता, कोई भी खाना वगैरह इकट्ठा करके नहीं रखता। ठीक है, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जो होती है, अब ये अब कवि जो है यूनान के हैं तो वहीं के हिसाब से बता रहे हैं, तो वहाँ सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में बर्फ़ बर्फ़ पड़ती है तो जो फूल पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं खिलती हैं। ठीक है, बिल्कुल फूल पत्तियाँ नहीं खिलती हैं और खाने पीने की जो है बाहर कुछ भी नहीं होता है खाने पीने के लिए, तो इकट्ठा करके रखना पड़ता है, तो वहीं से जो है खाना इकट्ठा किया जो होता है वही खाते हैं तो इंसेक्ट्स। तो क्रिकेट क्या करता है, ये जो झिंगूर होता है ये गाने और नाचने में सारा समय बिता देता है। अब सर्दी का मौसम आ जाता है, सर्दी के मौसम के लिए इसने कुछ भी खाना इकट्ठा नहीं करके रखा होता तो अब ये बड़ा परेशान होता है। ठीक है, अब इसके घर में खाने को कुछ भी नहीं होता है तो ये बड़ा परेशान हो जाता है। ठीक है, भूखा होता है, भूख के मारे इसकी जान निकल रही होती है। ठीक है, तो किसी तरह ये हिम्मत जुटाकर चींटी के पास जाता है मदद मांगने के लिए, तो कहता है कि मैं भुखमरी और ठंड के कारण मैं मर जाऊंगा। ठीक है, बारिश भी होती है तो बारिश की वजह से भी इसको ठंड लग रही होती है, कांप रहा होता है। ठीक है, चींटी से जाके बोलता है कि उससे मतलब रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ क्योंकि इसका घर भी नहीं होता है कुछ खास, तो और मुझे कुछ खाना दे दो नहीं तो मैं मर जाऊँगा, ठंड के कारण और भूख के कारण मर जाऊँगा, और मैं वादा करता हूँ कि बाद में मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा खाना। चींटी जो है क्रिकेट को बताती है कि वह उसके मतलब दोस्त है। ठीक है, वह उसकी नौकर तो है ही, साथ में उसकी दोस्त भी है। वह क्रिकेट से पूछती है कि जब वसंत और गर्मियां थी तो उसमें तुमने खाना इकट्ठा क्यों नहीं किया, तो झिंगूर बोलता है, क्रिकेट बोलता है कि मैं भविष्य की ज़्यादा परवाह नहीं करता, मैं ज़्यादा नहीं सोचता अपने भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जो उस वक्त मस्त अच्छा मौसम था, बहुत ही खुशमय सुखद मौसम था, मैं उसके मज़े ले रहा था, गा रहा था, नाच रहा था और भविष्य की मैंने कोई भी परवाह नहीं की और मैं ना करता हूँ। तो उसने सोचा कि अब जैसे कि वसंत और गर्मियों में खाना बाहर इतना सारा है वैसे ही हमेशा रहेगा, तो उसने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। और जब जो क्रिकेट था जो मज़े लेने में व्यस्त था, अपना गा रहा नाच रहा था, कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रहा था, उस समय पे चींटियाँ सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, तो चींटी उससे जो है वो हो जाती है, गुस्सा हो जाती है इस बात को सुन करके। ठीक है, और बोलती है कि जाओ अब सर्दियों में भी जाके नाचो और गाओ, हाँ यहाँ क्यों आए हो मेरे से मदद मांगने के लिए, और चींटी इस तरह से बातचीत को ख़त्म करके उसको अपने घर से जाने के लिए बोल देती है। अब क्या होता है, लास्ट में कवि जो है ये कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, लास्ट में कवि थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि वह बताते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी मतलब ये कविता से जो हमें सीखने को मिलता है, क्या मिलता है कि जैसे कि बहुत सारे जो आदमी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, भविष्य की फ्यूचर की परवाह नहीं करते। ठीक है, और बाद में इसी वजह से उनको पछताना पड़ता है। तो कहानी हमें सिखाती है कि जो झिंगूर था उसकी तरह ना करके
हम जो है अपने भविष्य के लिए परवाह करें, और हमेशा कभी भी हो सकता है कि फ्यूचर में मुश्किल प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि हमें बाद में किसी और से मदद मांगने के लिए ना जाना पड़े, किसी और से मदद की भींग ना मांगनी पड़े। ठीक है, तो और यह कविता हमें यह भी सिखाती है कि हम चींटी की तरह नहीं, बल्कि हम दूसरों की मदद करने, जैसे चींटी ने उसकी मदद नहीं की, मदद के मतलब जब उसको ज़रूरत थी मदद की तब मदद नहीं की, लेकिन हम इसके उल्टा उस हम जो कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आए हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ये थी, स्टोरी थी। तो ये एक तरह की फैबल थी, फैबल एक तरह की ऐसी पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी होती है। ठीक है, देखा, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कितनी अच्छी स्टोरी थी, तो यहाँ पे ये ख़त्म होती है। ठीक है, थैंक यू।